दोस्तों, भारत के ज्यादातर घरों में प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये वाटर टैंक फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? ये फैक्ट्री में 200 लीटर से 20,000 लीटर की जायंट वाटर टैंक बनाई जाती है। 30 वर्षीय अनुभवी टीम द्वारा रेंज ऑफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसे भारत के 15 से अधिक राज्यों में सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैक्ट्री में सालाना 25,000 से ज्यादा रोटो मोल्डिंग प्लास्टिक टैंक बनाए जाते हैं। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं जीरो वेस्ट फैक्ट्री ऑक्सीजन प्लास्टिक के प्राइवेट लिमिटेड का और देखेंगे कि प्लास्टिक वाटर टैंक कैसे बनते हैं। आज हम आए हैं गुजरात राज्य के छतराल शहर में, जो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर है। वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है 100% वर्जिन फूड ग्रेड रॉ मटेरियल से, जो पानी की क्वालिटी और हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल को रिलायंस, गैल और ONGC जैसी कंपनियों से लाया जाता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर बनती है। इसके बाद एक्सट्रूडर मशीन में रॉ मटेरियल, मास्टर बैच, UV, एंटीबैक्टीरियल और एडिटिव्स को मिक्स किया जाता है और प्लास्टिक स्ट्रिंग बनाई जाती है। ठंडा होने के बाद इस प्लास्टिक स्ट्रिंग से दाने बनाए जाते हैं। अलग अलग रंग के टैंक बनाने के लिए अलग अलग मास्टर बैच का इस्तेमाल होता है और अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक टैंक के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। इससे कलर लंबे समय तक डल नहीं होता है। दोस्तों, प्लास्टिक दानों से सीधा टैंक नहीं बनता, इसके लिए एक और प्रोसेस की जाती है। इन दानों में से पाउडर बनाया जाता है, जिससे उनके बीच अच्छा बॉन्डिंग होता है और टैंक को मजबूती मिलती है। तैयार हुए पाउडर को टैंक के टाइप और कैपेसिटी के हिसाब से वजन किया जाता है। अब दोस्तों, बारी है टैंक बनाने की बेहतरीन प्रोसेस की, जिसे रोटो मोल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। तैयार किए गए पाउडर को मोल्ड में डाला जाता है। अलग अलग कैपेसिटी के टैंक बनाने के लिए अलग अलग मोल्ड का इस्तेमाल होता है, जो SS मटेरियल से बने हैं, जिससे प्रोडक्ट को शाइनिंग मिलती है और इसे बारी बारी बदला जाता है। मोल्ड को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और साथ साथ घुमाया भी जाता है। दोस्तों, आपने इतना बड़ा स्टव कभी देखा है क्या? है ना कमाल! जिससे पाउडर एक समान मोल्ड में फैलता है और एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है। ये फैक्ट्री में 4 लेयर तक की टैंक बनाई जाती है और लेयर के हिसाब से मोल्ड में बारी बारी से मटेरियल को ऐड किया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री की दूसरी ओर एक ही मशीन से अलग अलग प्लास्टिक प्रोडक्ट एक बार में बनाए जाते हैं। इसके बाद गर्म मोल्ड को इंडस्ट्रियल फैन की मदद से ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद मोल्ड को ओपन किया जाता है और टैंक को बाहर निकाला जाता है। ये टैंक सिंगल मोल्ड में बनने से इसमें कोई भी जगह जॉइंट नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर वाटर टैंक तो बन चुकी है, लेकिन फाइनल फिनिशिंग बाकी है। इसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव किया जाता है और तैयार हुई वाटर टैंक को अंदर और बाहर से बारीकी से चेक किया जाता है, ताकि कस्टमर को बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी मिले। रिमूव किए गए मटेरियल को फिर से इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे प्रोडक्ट बनने के बावजूद ये जीरो वेस्ट फैक्ट्री है। ऑक्सीजन ब्रांड का एक लक्ष्य है हमारा कि हम एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट एक वाजिबी कीमत पे, रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर तक पहुंचा पाए, और उस लक्ष्य में हम अग्रेसर हैं, जिसकी ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंक के अंदर का लेयर सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल है और वाटर को बैक्टीरिया फ्री रखता है, जो इंसानों को पानी से होने वाले रोगों से दूर रखता है, और इस टैंक को लंबे समय तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों,
अब प्रोडक्ट बनके तैयार है, लेकिन उसको अभी पहचान मिलनी बाकी है। इसके लिए पेंटिंग डिवीजन में टैंक पर ऑक्सीजन का रजिस्टर्ड लोगो प्रिंट किया जाता है। है ना कमाल की प्रोसेस। कुछ समय बाद टैंक को स्ट्रेच फिल्म से पैक किया जाता है, जो टैंक को गंदा होने से बचाता है। फाइनली टैंक तैयार है वाटर स्टोरेज के लिए। उसके बाद टैंक को डिस्पैच एरिया में स्टोर किया जाता है। ऑक्सीजन प्लास्टिक एयर की ये फैक्ट्री में वाटर टैंक, ISI टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, लॉफ्ट टैंक, डस्टबिन, सेप्टिक टैंक, मोबाइल टॉयलेट, बायोगैस प्लांट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि केमिकल टैंक और पैलेट जैसे 25 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ISO सर्टिफाइड कंपनी ऑक्सीजन प्लास्टिक एयर के भारत में 15 से अधिक राज्यों में 1000 प्लस कस्टमर्स, 500 प्लस डीलर्स और 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसे कंपनी लगातार बढ़ा रही है। अगर आप भी इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जितना भी रॉ मटेरियल आता है उसका हमारा इन हाउस जो भी मटेरियल आता है उसका इनवर्ड इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसका जो भी डेटा है क्वालिटी रिलेटेड, वो सबके ऊपर हम ध्यान रखते हुए हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी से पास होता है। और हमारा उसके अलावा और हमारा प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का भी हम ख्याल रखते हैं। प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी बरकरार रखने के लिए फैक्ट्री के इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल लैब में अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि टेंसाइल सेटलमेंट, MFI यानी मेल्टिंग फ्लो इंडेक्स इत्यादि। दोस्तों, वाटर टैंक बनाने की ये मजेदार फैक्ट्री टूर और अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ऐसी ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ एक और फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।